हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन स्पुधा। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रूनिंग बताया था। अक्टूबर के मंथ में प्रूनिंग हमें करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होती है। बेशक आप हल्का प्रूनिंग करें, इस मंथ में हम रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो कुछ मेरे पास फाइकस बॉन्साई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। गाइस, हालाँकि वो अभी अंडर ट्रेनिंग है, ट्रेन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक आप बॉन्साई देख सकते हैं, पिलखन की बॉन्साई है मेरे पास अभी। और फाइकस की दो चार वराइटीज़ हैं, लीफ मॉन्ड बॉन्साई है, लॉन्ग आइलैंड की बॉन्साई है, एंड बात करें तो पारस पीपल की, फाइकस रिलिजियोसा जो होती है उसकी बॉन्साई है। ओके, तो मैं आपको ये जो है इनकी, इन सब की मैं प्रूनिंग करूँगा। ये बॉन्साई एक जो है मेरा फाइकस का, इसकी प्रूनिंग करूँगा। एंड ये जो हमारा है फाइकस लॉन्ग आइलैंड, गाइस ये रूट ओवर रॉक, मैं इसको ट्रेन कर रहा हूँ। तो ये जो पूरा बॉन्साई बनेगा रूट ओवर रॉक बनेगा, और इसकी भी मैं आज प्रूनिंग करूँगा। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं प्रून करता हूँ, और सारे बॉन्साई को प्रून करना बहुत ही ज़रूरी है। ये लीफ मॉन्ड बॉन्साई है, फाइकस लीफ मॉन्ड। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये पारस पीपल की बॉन्साई है, जिसकी मैंने अभी ट्रंक चॉप किया था कुछ दिन पहले। काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ, एक महीने के अंदर काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ निकली, बहुत फास्ट ग्रोइंग बॉन्साई है ये। एंड इसकी जो लीफ है इसकी प्रूनिंग मैं कर दूंगा। एंड यहाँ पे एक और है, फाइकस शीला बोलते हैं इसको हिंदी में, एंड इसकी भी मैं प्रूनिंग करूंगा अच्छे से। और ये रहा एक और पिलखन की छोटी सी, मतलब साइज़ का, बहुत छोटे साइज़ का पिलखन का बॉन्साई मेरे पास रखा हुआ है, इसकी भी प्रूनिंग कर दूंगा। हालांकि इससे पहले ही मैंने इसको प्रून किया था, अगर आप देखें इसकी पत्तियां देखें तो कितनी छोटी हो गई। प्रूनिंग का गाइस यही फ़ायदा होता है, अगर आप देखें तो इसकी पत्तियां एक हाथ से भी बड़े होते हैं, जो हमारा पाम होता है उससे बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। बट इसकी निरंतर लगातार प्रूनिंग करने से इसकी जो पत्तियों का साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। उसी तरह देखें, यहाँ पर एक बॉन्साई और है मेरे पास जो कि अभी जस्ट बनाया गया था। ये फाइकस माइक्राकार्पा की बॉन्साई है, फॉर्मल अपराइट बॉन्साई, मैंने इसको बनाया था, बड़े ट्रे में रखा हुआ है। हालांकि इसकी प्रूनिंग हो रखी है तो इसकी ज़्यादा मैं प्रूनिंग करना पसंद नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन छोटी छोटी जो छटाइयाँ होती हैं, जैसे कि टिप्स को क्लियर करना, ये वाली एक्टिविटी ज़रूर हम करेंगे। ये एक्टिविटी करने से क्या होगा, न्यू बर्ड्स, न्यू स्ट्रक्चर जल्दी से जल्दी निकलेगा इस प्लांट के अंदर। बेशक आप लीफ को प्रून ना करें, बट टिप्स को प्रून जरूर करें, जिससे आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ओके, ठीक है, इसकी प्रूनिंग हो गई है। एंड अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी लीव्स भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, सारे जो मेरे फाइकस की बॉन्साई यहाँ पे रखी हुई थी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, इनकी प्रूनिंग हो गई है, सबको मैंने प्रून कर दिया है। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइज़र अच्छे से यूज़ करें, तो इसमें जो फर्टिलाइज़र करेंगे तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, न्यू बर्ड्स निकलेंगे, नई पत्तियाँ अच्छी निकलेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है विंटर के लिए इसको काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे व्यूअर्स ने कल पूछा था कि सर, अपने जो बॉन्साई हैं इस समय, जो समय चल रहा है जैसे कि अक्टूबर है, विंटर आने वाला है, तो अभी का जो सिचुएशन है कि अपने बॉन्साई को प्रूनिंग के बाद या खाद डालने के बाद या रिपोर्टिंग करने के बाद कहाँ पे रखें, तो गाइस जो भी इस टाइप के बॉन्साई हैं, फाइकस की हो गई, जेड की हो गई, इन सब को आप फुल सनलाइट में ही रखें, सूरज की रोशनी में प्रॉपर रहने दें, इसको धूप में ही रहने दें, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, न्यूट्रिशन अच्छा एब्जॉर्ब कर रहा होगा वो, ठीक है। बशर्त है कि रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा यू नो हार्ड ना करें,
इस समय बहुत ज़्यादा हार्ड रिपोर्टिंग बिल्कुल ना करें, रूट्स को कम से कम पॉट के साइज से ही रखें, थोड़ा सा साइड में से रूट्स इस समय हमें निकालना चाहिए अगर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं या पॉट बदल रहे हैं तो। जिस साइज़ का पॉट है उसी साइज़ तक हम मिट्टी को तोड़ें, उससे ज़्यादा मिट्टी को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो प्लांट का जो डाई होने का चांसेस होंगी ज़्यादा होंगी। तो ये सारे बॉन्साई मैंने प्रून कर लिए हैं मेरे, और भी बहुत सारे मेरे पास कलेक्शन है, सबकी प्रूनिंग चल रही है, मैंने शेयर किया कुछ आपके साथ प्रोडक्ट अपने। तो आप भी अपने जितने भी फाइकस की बॉन्साई है प्रूनिंग स्टार्ट कर दें, और प्लीज़ उसको धूप में रखें। प्लस पॉइंट है पानी बहुत ही अच्छे से दें, फाइकस को बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो रूट इनके लीव्स आपके जल रहे होंगे तो वो बंद हो जाएगा जलना। पानी का छिड़काव ऊपर से करें एकदम, इनकी जो पानी अगर दें तो ऊपर से छिड़कते हुए दें, स्प्रिंकल करके पानी दें, उससे क्या होगा इसके जो बर्डिंग होगी बहुत फास्ट होगी और जो बर्ड्स के डाई होने के चांस होते हैं कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए गाइस मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ग्रीन्स बुद्धा की तरफ से नमस्कार।